हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं लौकी की आइसक्रीम। लौकी की आइसक्रीम बहुत ही यूनिक बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। जैसे कसाटा खाते हैं ना, कसाटा आइसक्रीम, उसकी तरह बनती है। और बाकी आइसक्रीमों से, कुल्फियों से बहुत ही अलग और अच्छी बनती है, बाजार की तरह बनती है। मैंने एक टुकड़ा छोटा सा लिया है लौकी का, आधा किलो दूध लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम, किशमिश, इलायची ली है। और ड्राई फ्रूट मनपसंद से ले सकते हैं आप। लौकी को कद्दूकस करके उबालेंगे, ना 3-4 मिनट तक उबालेंगे। दूध को भी उबालेंगे अच्छे से, आधा दूध उबालेंगे, कम से कम आधा, और गाढ़ा दूध लेना है हमें, भले थैली वाला हो दूध। 8-10 मिनट उबालने के बाद ही हम लौकी को डालेंगे। पर मैंने अभी जैसे एक उबाल आया तो मैंने इसमें इलायची और चीनी डाल दी है, और लौकी हमारी उबल गई है। उबाल के इसको अच्छे से धोना है, धो के निचोड़ लेना है, ताकि इसका जो भी वो रहता है ना, इसका सत्व रहता है, जो भी वो निकल जाए, ताकि स्मेल नहीं आए इसमें बिल्कुल भी। और अब ये किशमिश उबालने में ही डालें, क्योंकि किशमिश डालने से ये उसमें पिस जाती है, फेटेंगे ना आइसक्रीम को, पिस जाएगी, बहुत ही अच्छा टेक्सचर और स्वाद आएगा और सॉफ्ट बनेगी और बहुत अच्छी बनती है। ये उबालने में ही डालें किशमिश, ताकि ये उबल जाए और गल जाएगी तो पिस जाएगी अच्छे से दूध के साथ। और ये हमारा फिट गया है और मैंने इसमें डाल दी है, और ये मैंने कटोरे में उतार ली है। ये आइसक्रीम हमारी फ्रिज में रखने के लिए तैयार है। बादाम किशमिश से इसको सजाएंगे, गार्निश करेंगे, और ये मैंने फ्रिज में रख दी है 6-7 घंटे। देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी सॉफ्ट और अच्छी बनी है। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और इसको ज़रूर ज़रूर